नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैलाडियम सैगुनम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, इसके यूज, इसके इंडिकेशन और डोज के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैलाडियम सैगुनम होम्योपैथिक मेडिसिन प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसका कॉमन नेम प्लांट अमेरिकन ऑरम है। इसे डम्ब केन के नाम से भी जाना जाता है। यह प्लांट एरेसा फैमिली को बिलोंग करता है। इसके फ्रेश प्लांट के एक्सट्रैक्ट को पोटेंटाइज करके यह मेडिसिन बनाई जाती है। इसके ड्रग एक्शन की बात करें तो इस रेमेडी का स्पेयर ऑफ एक्शन मुख्य रूप से मेल जेनाइटल ऑर्गन, इसके अलावा फीमेल जेनाइटल एरिया पर भी वर्क करती है। यह गैस्ट्रिक सिस्टम, स्किन डिजीज और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर भी अफेक्ट करती है। एक और महत्वपूर्ण एक्शन है इसका कि ये टोबैको एडिक्शन को छुड़ाने का काम करती है। अब इसके क्लिनिकल इंडिकेशन की बात करें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्पोटेंसी, स्पर्मेटोरिया, ऑप्रोराइटिस इन बलवा, इचिंग, निम्फोमिनिया, थ्रेड वॉर्म, मॉस्किटो बाइट और इंसेक्ट बाइट की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इन पे बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन ऑफ कैलाडियम इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर बहुत ही अच्छा असर होता है। जिन लोगों के जेनाइटल ऑर्गन कोल्ड रिलैक्स हो गए हैं, उनको इरेक्शन की प्रॉब्लम आती है, उनकी इच्छा तो होती है लेकिन उनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन नहीं आता है और वो रिलैक्स पड़ा रहता है, ऐसी इम्पोटेंसी में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, उनके इरेक्शन की प्रॉब्लम को ठीक करती है। इसके साथ साथ जिन लोगों को प्री मैच्योर इजेकुलेशन की प्रॉब्लम रहती है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, उन लोगों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इम्पोटेंसी की कैलाडियम बहुत ही अच्छी दवा है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट है इचिंग ऑफ जेनाइटल ऑर्गन। मेल के जेनाइटल ऑर्गन में बहुत ही तेज खुजली होती है और यह खुजली रात के समय ज़्यादा होती है, तो ऐसी इचिंग के लिए आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी फीमेल प्रॉब्लम्स की। तो फीमेल प्रॉब्लम्स में सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको वेजाइनल इचिंग, पिन वॉर्म द्वारा जनित वेजाइनल इचिंग के लिए यह मेडिसिन बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। और क्रैम्पिंग पेन इन यूट्रस, अगर बच्चेदानी में क्रैम्पिंग पेन हो रहा है तो आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा काम करेगी। अब बात करते हैं इसके स्टमक के सिम्टम्स की। तो स्टमक पे इसका सिम्टम है कि वर्निंग और स्टिचिंग पेन होता है अगर आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन में, तो जो है ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है बर्निंग सेंसेशन के लिए और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ये बिल्कुल ठीक करती है। बर्निंग सेंसेशन आपके स्टमक में होता है जो कि चाय पीने से बढ़ जाता है और तम्बाकू खाने से बढ़ जाता है, और गहरी सांस लेने से अगर ये पेन और बर्निंग बढ़ जाता है तो ये बहुत ही अच्छी दवा है, आप इसको ले सकते हैं। और जो आपका दर्द होगा वो निडिल लाइक स्टिचिंग होगा, और कहाँ होगा, ये जो आपका स्टमक होता है उस जगह पर हो सकता है,
और आपको कटिंग पेन हो सकता है आपके अम्बिलिकल रीजन में, कटिंग लाइक पेन महसूस होगा, वो होगा आपके अम्बिलिकल रीजन पे। तो ऐसे सिम्टम्स होने पर आप जब नाभि के पास जो है कटिंग पेन हो तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके स्किन इश्यूज़ की। इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन एट साइट ऑफ मॉस्किटो बाइट और इंसेक्ट बाइट, जहां आपको मच्छर काट जाता है वहां आपको इचिंग होने लगती है, बर्निंग सेंसेशन होने लगते हैं, या कोई और इंसेक्ट बाइट है, कोई और कीड़ा आपको काट गया है और बर्निंग मिल रही है और खुजली हो रही है, जलन हो रही है, खुजली हो रही है, तो ऐसे सिम्टम्स होने पर आप जो है ये मेडिसिन ले सकते हैं, इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ए वेरी पिकुलर इंडिकेशन टू यूज इट, कैलेडियम के रोगी का जो पसीना होता है उसमें मीठी स्मेल होती है, इस स्मेल के कारण ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। जब आपकी क्लिनिक में कोई पेशेंट इंटर होता है और वो बैठता है तो जो मक्खियाँ होती हैं उसकी बॉडी के आसपास या उस पर बैठने लगती हैं। अगर ऐसा कभी आपको दिखे तो आप जो है मान सकते हैं कि कैलेडियम का पेशेंट हो सकता है। नेक्स्ट है इसके रेस्पिरेटरी इश्यूज, सडन कफ अराइजिंग फ्रॉम इरिटेशन इन द थ्रोट, गले में अड़ास के साथ आपको खांसी आती है, अचानक आपको गले में लगता है कुछ अटका हुआ है, अचानक इरिटेट होके आपको खांसी आ जाती है, तो ऐसी खांसी के लिए कैलेडियम बहुत ही उपयोगी दवा है, आप इसे ले सकते हैं। और अस्थमा एंड इम्फाइमा फ्रॉम सिगरेट स्मोकिंग, अगर आपको सिगरेट पीने की वजह से अस्थमा और इम्फाइमा है तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, कैलेडियम का यूज़ आप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। अब दोस्तों बात करेंगे इसकी मॉडलिटीज़ के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके वर्सनिंग फैक्टर की। तो वर्सनिंग फैक्टर इसके होते हैं कंप्लेंट गेट वर्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस, जब आप ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो आपकी जो कंप्लेंट होती हैं वो बढ़ जाती हैं। टोबैको स्मोकिंग से भी आपकी कंप्लेंट बढ़ जाती हैं, गर्मी की वजह से भी आपकी जो कंप्लेंट हैं वो बढ़ जाएंगी। अगर कोई अचानक आवाज़ हो जाएगी तो उस आवाज़ से आपकी जो है तकलीफ़ बढ़ सकती हैं। अब हम बात करेंगे रिलीविंग फैक्टर्स की कि आपको फ़ायदा कब मिल सकता है, आपको कंप्लेंट में आराम किस चीज़ से मिल सकता है। तो कंप्लेंट गेट बेटर इन कोल्ड एयर, आपकी जो कंप्लेंट होंगी वो कोल्ड एयर में ठीक हो जाएंगी। आफ्टर स्वीटिंग, पसीना आने के बाद आपकी कंप्लेंट में आराम मिल जाएगा, और शॉर्ट नैप से भी आपको अपनी कंप्लेंट में आराम मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप विद अदर रेमेडीज़ की। तो कैलेडियम सैगुनम का जो रिलेशन होता है एंटी डॉटेड बाई कैम्फर, एंटी डॉटेड बाई कैप्सिकम, एंटी डॉटेड बाई कार्बोबेज, एंटी डॉटेड बाई इग्नेशिया, एंटी डॉटेड बाई हायोसैमस, एंटी डॉटेड बाई मर्कसोल, एंटी डॉटेड बाई मर्कसोल भी होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन के साथ आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। फॉलोड वेल बाई, फॉलोड वेल बाई में आप मान सकते हैं जैसे एकोनाइट है, कैंथरिस है, कॉस्टिकम है, पल्सेटिला है, सीपिया है एंड सेलेनियम, ये मेडिसिन जो है फॉलोड वेल है। अब बात करते हैं
हम इसकी डोजेस के बारे में कि आप इसे किस डोज में ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कैलाडियम सेगुइनम को जो है 30 पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो इसको आपको रिपीट करना होता है, तो जैसे ट्वाइस ए टाइम और जो है TDS भी देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों अगर आप रिपीटेटिव कंप्लेंट के लिए अगर इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो आप लो पोटेंसी में यानी 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों आप लॉन्ग टर्म और आपकी कोई ऐसी कंप्लेंट है, कंप्लेंट के आधार पर इसके डोज सेट करते हैं। तो दोस्तों यूजली अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए, और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों अब लेता हूं विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।